मेरे पास से एक भी बार नहीं आए हैं आप। नहीं, आपसे मेरी सुबह बात हुई ना तो आपने बोला 2 बजे आइए। आप बोल देते ना कि आप 5 बजे आ जाइए, मैं 5 बजे आ जाता। ये कोई जरूरी है क्या उसी समय 2 बजे आप बैठे रहते, हम आधे घंटे में पहुंच ही रहते। मैं 1:30 बजे आ गया हूँ और 2:10 बजे 1 बजे तक तो हम खुद न्यायालय में बैठे हैं। क्या बात करते हो मैडम आप, अपने बाबू से पूछिए आप। और आपका बाबू क्या जवाब देता है मुझे? छोड़िए, तुम्हारा बंटवारा लगा है तो मैं दूसरा काम छोड़ दूँ? अरे मैं कौन बंटवारा भाई, हमें नहीं कराना आपसे बंटवारा, हम बोल दिए ना। लिख करके दे दीजिए। नहीं बहना, लिख करके लिख करके हम बिना लिखे थोड़ी ना। हाँ तो नहीं करो। और आपका बाबू क्या बोलता है कि मैडम बोलती हैं कि उनको दोबारा? आपका बाबू उस दिन उपस्थित था जिस दिन आप वहाँ कुर्सी में बैठे। ये कह रहे हैं कि गवाही नहीं होती है अधिकारी के सामने, गवाही अधिकारी जब उपस्थित मिलेगा तब ना होगी गवाही। बैठती ही नहीं है वहाँ पर, अभी हम कोर्ट में रहे 2 घंटे, कहाँ है अधिकारी? तो सिर्फ आप तो कल पेश ही दोगे तो कल फिर हम आएंगे। और जब उस दिन कोई अपराध किया है क्या? माँ बाप की जमीन बंटवा रहे हैं, जब उस दिन तुम्हारी बेटी में रोड टोल लगाएंगे क्या? ठीक है ठीक है। जब उस दिन आप बैठे थे आपके बाबू को बोलने, मैं एक बार निवेदन करके कहता हूँ, मुझे पहले उंगली अंगुली ऐसे ही करके बात कर। बोलो कमीज है, जनसेवक है, तुमको आए अभी साल भर हुए चाबी गाड़ी की मेरे न्याले का काम है यहाँ। न्याले का काम है तो पीछे पीछे लगा घूमने का क्या आदमी? आप लोग तो बिल्कुल जनता, आप उससे कोरी से बोलते हो कि आपका भाई नेतागिरी करा था। मैं कितने क्या नेतागिरी किया? कौन कोरी? किसी कोरी ने आपको फोन किया? मैं नहीं जानती किसी कोरी को। कोरी गया तो उसके क्या बोलते? मैंने क्या बोला कि मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। तो आप संघ के आदमी को नेता बोलेंगे? बंटवारा कराने के लिए आदमी आया, सिर्फ इतना जानते हैं। बड़े भाई तुम संघ के नेता हो चाहे कोई हो, सुनिए कोई मतलब नहीं, मत करिए। तुम जा मत करो, समझ गए ना? नौकरी करना भूल जाओगे आप फैसलाबाद में, मैं बता दे रहा हूँ। इतना ध्यान रखना, दे नहीं सकते तो निपटा दूंगा, आप ध्यान रखो। जिंदगी चैलेंज करके जा रहा हूँ मैं, ऐसा ऐसा है, जाओ जो करना नहीं करना कर लेंगे भाई। चलो ठीक है, तुम का काम है वही काम होगा। हाँ ठीक है, जो मैं आपसे नहीं करूंगा बंटवारा, फाइल वहीं पर दे दीजिए, जाइए। मैं फाड़ के फेंक दूंगा फाइल। ये जो फौज फाले हो ना, ये जबरदस्ती की और चला रही हो दुकान ये अपनी बैठ के यहाँ सलीमाबाद में, सब कुछ मालूम है मेरे को। पैसा तेरे को नहीं दिया गया तो बंटवारा लौट रही हो, ऐसी तैसी करा रहे हैं, पैसे लेकर के काम करते हैं। और मैं दिखाऊं वीडियो तुम्हारे बाबू का, अभी घूस बात कर रहे हो बाबू। अरे आप खुद घूस, आपको नहीं मिला इसलिए आप बंटवारा डिले कर रही हो। और बोलो आपको ऐसी बात करने के लिए हमारे यहाँ? मैं बात कर रहा हूँ, कोई सिखा के बात नहीं करेगा। चलो ठीक है। अरे रुक यार, मैं कलेक्टर साहब से जाकर के अभी शिकायत करता हूँ। जाओ जाओ जाओ।